बस करो काव्या और चली जाओ यहाँ से। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आज तक मैं दूसरी औरत बन के रही थी, आज मैं दूसरी औरत से मिसेज वनराज शाह बनूंगी। ये फंक्शन, ये शादी सब बर्बाद होती है तो हो जाए, मगर आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हक 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 कैसा हक? वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक। और आज मैं इसे अनुपमा के गले से उतार के पहनूंगी। अरे कोई रोको इस चुड़ैल को। मैंने कहा था ना, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। रिश्ता नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का भी कोई मतलब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी राह चलती आकर इस मंगलसूत्र को मेरे गले से खींच ले। ये धागा प्यार और आशीर्वाद से बांधा जाता है, प्यार तो जा चुका है और बड़ों का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। और अगर किसी ने भी इस आशीर्वाद की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं उस हाथ को रोकने की भी ताकत रखती हूं और तोड़ने की भी। आज तू भी देख ले, ये मसाले की खुशबू वाले, थेपला बेलने वाले, घर का काम करने वाले हाथ जब अपनी पे उतर आते हैं ना, तो क्या कर जाते हैं। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही धूप है, तू ही छाव है। अपनी बची कुछ इज्जत उठाओ और यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे बेटे की शादी में अगर ये माँ अपनी सराफत भूल गई ने तो तुम्हें अपनी सारी अंग्रेजी बुला देगी। और आप जाते वक्त इसके लिए मिठाई लेके जाइएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। शाबाश।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों की खुशियों में जहर घोलने की? ये इसने तमाशा किया, अब आप तमाशा मत करने लगिएगा। झक बना के रख दिया है, पहले रिश्ते का, फिर परिवार का, और अब हमारे बच्चों की खुशियों का। गर्लफ्रेंड के गाल पे पड़ा थप्पड़ अगर आपको भी दर्द दे रहा है ना, तो आप भी इसके साथ जा सकते हैं। जाना है तो चले जाइए, वैसे भी इसकी वजह से आप पहले ही घर की चौखट छोड़ चुके हैं। मैं पारितोष का बाप हूं और शादी की विधियों में बैठना मेरा हक है, पर इसे अपने साथ बिठाना आपका अधिकार नहीं। आप अंदर आना चाहते हैं तो अकेले आइए। नोवी, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। इसने मुझे थप्पड़ मारा है और सबके सामने मारा है, तुम इसके साथ नहीं बैठोगे भी। नो, नो। आप अंदर आ रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। नोवी, नो। आप अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं, वनराज नहीं जाएगा। अगर तुम गए ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वनराज तू अंदर ही आ जा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, आप अंदर आ रहे हैं या नहीं? नो, नो। आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। पंडित जी, विधि आरंभ कीजिए। अपने बेटे की शादी की सारी रस्में मैं करूंगी। कन्यादान के लिए आप आ जाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए। We'll be right back.
विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।